मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी विद गणेश। तो चलिए आज एक नया वीडियो के साथ, नया टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिक ट्यूबलाइट के ऊपर है। तो ये जो एलईडी ट्यूब है इसे किस तरह से आप रिपेयरिंग करेंगे, तो इसका हर एक प्रोसेस मैं आपको दिखा दूँगा। तो दोस्तों ज़्यादातर ट्यूब में क्या ख़राबी होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, उसके ऊपर ही आज का ये वीडियो है। तो सबसे पहले ये जो दोनों क्लिप है, इस दोनों क्लिप को सबसे पहले आपको खोल लेना है। और खोलने का प्रोसेस है, पीछे के हिस्से में एक छोटा सा आपको छेद देखने को मिल जाएगा और वहाँ पर आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो इस तरह से खोल जाएगा। तो एक साइड आप खोलने के बाद आपको पता लगेगा कि उस साइड पे वायर निकला हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं निकलता है तो आपको दूसरे साइड भी खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको दोनों साइड खोल लेना है और खोलने के बाद आपको यहाँ पर वायर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो वायर है इसे पीछे की तरफ खिसकाना है और इधर से खींच लेना है। और जैसे ही आप इसे थोड़ा सा खींच लेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रिप है ये भी निकल के आ जाएगा और जो डाइवर्स सर्किट है वो भी निकल के आ जाएगा। अब इसे हम टेस्ट करेंगे कि इसमें ख़राबी क्या है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर एसी लाइन हम दे देंगे और एसी लाइन देने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एसी लाइन देने के बाद एक बार ये ग्लो किया हल्का सा और उसके बाद इसका कोई रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं आया। तो सबसे पहले हम इसका जो ड्राइवर है, जो सर्किट है उसे देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी ट्रांजिस्टर या फिर कोई भी कैपेसिटर का कोई भी फॉल्ट देखने के लिए आपको मिलता है तो उसे आपको चेंज करना है, सिंपल सा काम है। और अगर आपको वो नहीं दिखता है तो आपका जो ये पत्ता है उसके ऊपर जिसमें एलईडी लगा हुआ है उसमें प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से एक चिमटे के मदद से आपको चेक करना है बारी बारी हर एक लैम्प को, तो उसके बाद ही आपको पता लग जाएगा। तो इस तरह से आपको सावधानी के साथ करना है। आपको जो ड्राइवर सर्किट है वहाँ पर आपको एसी लाइन मिल जाएगा और बाकी जो भी है वो डीसी है। तो फिर भी सावधानी के साथ करिए, क्योंकि अगर करंट आपको लग जाता है तो बहुत ज़ोर की झटका आपको दे सकता है। तो इसीलिए सावधानी के साथ करिए। तो इस तरह से हम इसे फिर से और एक बार चेक करेंगे। अब पीछे का पोर्शन जहाँ से लाइन दिया हुआ है वहाँ से चेक करेंगे। तो इस तरह से आपको चेक करना है हर एक बल्ब को। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हर एक बल्ब को चेक कर रहा हूँ। और जो बल्ब प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगा उसको आपको चेंज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लाइट है ये थोड़ा सा ग्लो हुआ है, पूरा जो स्ट्रिप है वो नहीं जला है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा जला है। तो इसमें जो लैम्प प्रॉब्लम है उसमें हम मार्क कर लेंगे, फिर से और एक बार चेक करते हैं। तो ये वाला है तो इसे हम उठा के फेंक देंगे और इसके जगह पे हम दूसरी लैम्प लगाएंगे। दोस्तों अगर आपका एक दो लैम्प कट जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसे जम्पर भी कर सकते हैं और उसके मदद से आपका जो स्ट्रिप है वो सही हो जाएगा। अगर आपका बहुत जगह पे डिफेक्ट रहता है, ये जो स्ट्रिप है इसमें बहुत सारे लैम्प ख़राब है, तो इसका जो लैम्प है इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करते हैं तो इसमें लोड ज़्यादा हो जाएगा और उसके कारण एक एक करके हर एक जो एलईडी बल्ब है वो डैम होता रहेगा। तो जब आपको मान के चलिए आप एक एलईडी को चेक कर लिए है और उसमें टोटल जो पट्टा है वो नहीं जला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आपको चेक करना है हर एक बल्ब को। आप जब एक एक बल्ब को चेक करेंगे तो एक एक बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा वाट का नहीं होता है। ज़्यादातर एलईडी 3 वाट का होता है, 2 वाट का भी होता है, अब ज़्यादा भी होता है, पर ज़्यादातर 3 वाट का ही यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए आप इस तरह से एक मल्टीमीटर ले लीजिए और इसे बीप रेंज पे रखिए और उसके बाद इस तरह से चेक करते रहिए। आप जैसे ही चेक करेंगे वो छोटा छोटा बल्ब ग्लो करता रहेगा। आप ध्यान से देखिए,
तो यहाँ पर हमारा जो लाइट है ये ग्लो कर रहा है और मैं उसी तरह से हर एक बल्ब को चेक कर रहा हूँ और उसी तरह से आपको भी हर एक बल्ब को चेक करना है। जो भी बल्ब नहीं जलेगा उस बल्ब को आपको एक मार्कर के मदद से आपको उसके आइडेंटिफाई करके रखना है, आपको एक मार्क करके रखना है और उस लैम्प को हटाकर दूसरा लैम्प बिठाना है। तो बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरह से इसे सही करें, पर उसमें लैम्प को किस तरह से उठाया जाता है और किस तरह से लगाया जाता है वो आपको नहीं दिखाएगा, और अगर दिखाएगा भी तो आपको क्या दिखाएगा, ब्लोअर के मदद से किस तरह से उठाया जाता है वो आपको दिखाएगा। पर आपके पास ब्लोअर है या फिर नहीं है वो तो वीडियो में दिखाएगा अपने हिसाब से, पर आप अपने घर में किस तरह से करेंगे वो मैं आज आपको सिखा दूंगा। दोस्तों आपके पास एक अगर ताताल होगा, सोल्डरिंग ताताल अगर आपके पास होगा तो ज़रूर आप कर सकेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फिर भी अगर आप कोशिश करते हैं तो आप ये कर सकते हैं। किस तरह से मैं कर रहा हूँ वो ध्यान से देखिए और आप भी उसी तरह से करिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बल्ब है इसे हमने मार्क कर लिया है और इसी तरह से हर एक बल्ब को मार्क करना है और इस तरह से कटर के मदद से कट के फेंक देना है, और उसी तरह से आपको जितना भी लैम्प खराबी आपको मिलता है उस ट्रिप में उस हर एक लैम्प को आपको हटा देना है। मेरे पास यहाँ पर दूसरा स्ट्रिप है जो कि ट्यूबलाइट का है, इसीलिए मैं उसी स्ट्रिप से उठा रहा हूँ। अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रिप नहीं है तो आप एक काम कीजिए, जो 12 वोल्ट डीसी का जो बल्ब का जो जिसके अंदर बल्ब का आपको लैम्प मिल जाएगा उसी बल्ब का यूज़ कीजिए जो डीसी है, और उसमें से उठाइए और यहाँ पे बिठाइए, और किस तरह से उठाएंगे और किस तरह से बिठाएंगे वो भी मैं इस वीडियो में दिखा दूँगा। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल फ्री है तो जल्द से जल्द दबा दीजिए बेल आइकन, और इस तरह से आपको जो ताता है उसको आपको नीचे के हिस्से में रखना है और उसके ऊपर आपको जो स्ट्रिप है वो रखना है और चिमटे के मदद से आपको पकड़ के उठाना है। आराम से उठ जाएगा, जब गर्म हो जाएगा तो ये आराम से उठ जाएगा, ज़्यादा मेहनत आपको करना नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर वेट करना है और आराम से इस तरह से उठ जाएगा। तो इसी तरह से जिस तरह से मैं उठा रहा हूँ उसी तरह से आपको भी उठाना है। मेरा 4-5 लैम्प ख़राब हो चुका है स्ट्रिप में, इसीलिए मैं दूसरा स्ट्रिप से उठा रहा हूँ और उस स्ट्रिप में मैं बिठाऊँगा। तो किस तरह से कर रहा हूँ वो आप आराम से देखिए, कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं है फिर भी मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आपको सिंपल से उठाना है, बहुत ही हार्ड वर्क नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो इस तरह से आप उठाएंगे। अब हम नया स्ट्रिप ले लेंगे, जो स्ट्रिप हमारा ख़राब हो चुका है उस स्ट्रिप के ऊपर हम इसमें बिठाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जो सोल्डरिंग वायर है उसके ऊपर हम बिठाएंगे और ये जब गर्म हो जाएगा और उसके ऊपर हमें इस तरह से इस लैम्प को बिठाना है। तो आराम से आपको बिठाना है इस तरह से। तो इस तरह से आपको बिठाने के बाद किसी चीज़ के मदद से आपको ऊपर की हिस्से से थोड़ा प्रेस करना है, तो ये चिमटे के मदद से नहीं होगा, आप दूसरे किसी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं स्क्रू ड्राइवर के मदद से इस लैम्प को थोड़ा सा दबा के रखता हूँ और इस सोल्डरिंग वायर से हम इसे उठा लेंगे ताकि ये यहाँ पर जम जाए। तो यहाँ पर ये जो हमारा लैम्प है ये बैठ गया है आराम से, अब इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा लैम्प जल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर आप स्ट्रिप को इस तरह से सोल्डरिंग वायर की मदद से जो डीसी लाइन है वो आप यहाँ पे लगा दीजिए, जो ड्राइवर का सर्किट का जो लाइन है इसे यहाँ पे सोल्डरिंग करना है, पर प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। तो ऊपर के हिस्से में आपका जो माइनस है वो लगेगा और नीचे का जो हिस्सा है उसमें आपको प्लस लगेगा। तो इस तरह से आपको लगाना है, सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपको दोनों वायर को अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेना है।
इस तरह से करने के बाद तो यहाँ पर जो लाइन है एसी लाइन वो देकर चेक कर लेंगे हम। तो ये देखिए हमारा ट्यूबलाइट जल रहा है, आराम से जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कैमरा के वजह से ये थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है, पर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी लाइट को अगर आप कैमरा में देखेंगे तो वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक GI वायर के मदद से आपको ये जो वायर है इसे आपको इस तरह से अंदर की तरफ घुसा लेना है, और ऊपर से आप वहाँ से जब खींचेंगे तो ये जो डाइवर सर्किट है ये अंदर की तरफ चला जाएगा, और ये जो डाइवर है ये अंदर घुस जाएगा। और उसके बाद इसका जो कैप है वो आपको लगा देना है, और कुछ करना नहीं है, बस इतना ही सा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। तो इस तरह से पीछे का जो कैप है इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रेस करना है, और जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये लग जाएगा। इस तरह से अच्छी तरह से आपको देख के सेट करना है, और इस तरह से आपका हो जाएगा। उसके बाद और एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा ट्यूबलाइट एकदम सही हो चुका है, और हमारा ट्यूबलाइट जल रहा है। तो इस बात पे कर दीजिए एक लाइक। मिलते हैं अगला वीडियो में।